भागलपुर नगर निगम में नए जनप्रतिनिधियों का चुनाव हुए एक वर्ष बीत गए, लेकिन अस्थायी समिति की बैठक को लेकर अब तक मामला फंसा हुआ ही नजर आ रहा है। इसी कड़ी में महापौर डॉक्टर वसुंधरा लाल के नेतृत्व में पार्षदों का एक प्रतिनिधि मंडल समाहरणालय स्थित डीएम कार्यालय पहुंचा, जहां उन्होंने जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन को नगर आयुक्त के खिलाफ विरोधाभास जाहिर करते हुए ज्ञापन सौंपा। इस दौरान अलग अलग वार्डों के पार्षद प्रतिनिधि मौजूद थे। वहीं मेयर वसुंधरा लाल ने बताया कि एक वर्ष पूरे होने को है। इस दौरान बोर्ड की बैठक 12 होनी थी, लेकिन अब तक 5 ही बैठक हुई है। उन्होंने कहा कि बैठक की वीडियोग्राफी भी करने की बात कही थी, लेकिन किसी बैठक की कोई वीडियोग्राफी नहीं हुई है। मेयर ने कहा कि वीडियोग्राफी नहीं होने के कारण अहम मुद्दे को भटका दिया जाता है, लेकिन नगर आयुक्त सुनने को तैयार नहीं है। मेयर वसुंधरा लाल ने कहा कि जनप्रतिनिधि बनने से एक वर्ष बीत चुका है, लेकिन अस्थायी समिति की बैठक सही तरीके से नहीं होने के कारण शहर की मूलभूत समस्याओं पर चर्चा नहीं हो पाती। उन्होंने कहा कि आज शहर में साफ सफाई की समस्या बेहद गंभीर हो गई है, लेकिन कोई भी कार्य अब तक नहीं हो पाया है। उन्होंने नगर आयुक्त योगेश कुमार सागर को इसका जिम्मेदार ठहराते हुए कहा, जब कभी भी वो लोग इस मुद्दे को उठाते हैं तो नगर आयुक्त उसे अनसुना कर देते हैं। इसको लेकर वे लोग आज जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन को ज्ञापन देने पहुंचे हैं। मौके पर कई पार्षद मौजूद रहे। आज ये हमारा आज 1 साल होने जा रहा है पदभार ग्रहण किए हुए। आज हमारी ये 5वीं बैठक थी सामान्य बोर्ड की, और ऐसे तो 12 बैठक होनी चाहिए थी अब तक में, और ये 5वीं बैठक थी। ये भी बैठक बहुत बार बोलने के बाद आहूत की गई, और इस बैठक में हमने पहले भी नगर आयुक्त को लेटर दिया था कि बैठक की वीडियोग्राफी कराई जाए, क्योंकि वीडियोग्राफी नहीं कराने के कारण जो हमारा प्रोसीडिंग है, जो उसमें हम लोगों ने निर्णय लेते हैं, हम लोग निर्णय जो ले रहे हैं तो उसको बदल दिया जाता है, फेर बदल कर दिया जाता है। इसी के लिए हम लोगों ने बोला था कि वीडियोग्राफी कराई जाए, और इसके तहत मैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी से भी मिली तो उन्होंने भी कहा कि मैडम वीडियोग्राफी कराए, तभी आपको लगेगा कि जो प्रस्ताव स्वीकृत है या अस्वीकृत है, या किसने क्या बोला, कौन से पार्षद का क्या मंतव्य है, वो सारा बात उसमें आएगा। तो आज जब मीटिंग की शुरुआत हुई तो नगर प्रशासन के द्वारा वीडियोग्राफी की व्यवस्था नहीं कराई गई थी, तो इसी के तहत हमने अपने तरफ से वीडियोग्राफी की व्यवस्था कराई। नगर आयुक्त साहब मीटिंग के लिए आए, लेकिन उन्होंने बोला कि जब वीडियोग्राफी होगी, और ये वीडियोग्राफी अधिकृत नहीं है, मतलब नगर प्रशासन के द्वारा नहीं है, तो ये वीडियोग्राफी नहीं होगी। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जब प्रेसिडेंट एज ए मेयर उसको अधिकृत कर रही है, तो नगर आयुक्त कौन होते हैं उसको अनाधिकृत करने वाले, पहली बात। इसके तहत नगर आयुक्त साहब मीटिंग छोड़ करके चले गए वहाँ से, और वो नगर कार्यालय से चले गए। जब वो वहाँ से चले गए तो हम लोगों को मीटिंग करनी थी, कहे हमारे सारे पार्षद आए थे और सिटी मैनेजर साहब थे, सिटी मैनेजर साहब के प्रेजेंस में और मैं अपने अध्यक्षता में सारे पार्षदों के प्रेजेंस में हमने मीटिंग की। मीटिंग में एक ही बात थी कि हमारा सफाई मुद्दा से लेकर के 4-5 महीने से हमारा जो शहर है कूड़े के ढेर पर है, हम लोग परेशान हैं, हमारे पार्षदगण, हालांकि ये महिला पार्षदों को भी बैठना पड़ता है धरने पे, इतना के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। हमने 3 लेटर भी दिया कि इसको हटाई जाए, उसके तहत भी उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। और जो NIT बनी है, उसकी जो टेंडर की प्रक्रिया हुई है, उसके गलती के कारण, जो NIT में खामियां हैं उसके गलती के कारण इतना सब कुछ हो रहा है। जिन्होंने NIT बनाया है वो बिल्कुल ही बेकार NIT बनाई है। उन्होंने कभी सोचा ही नहीं कि हमारे वार्ड की क्या स्थिति है, हमारे वार्ड को किस वार्ड को कितना लेबर चाहिए, किस वार्ड को क्या चाहिए, और आंख बंद करके उन्होंने NIT बनाई। NIT बनाई तो ठीक है, हम लोगों ने उसको भी स्वीकारा, लेकिन NIT के तहत वो काम करवाएं वो भी गवारा नहीं गुजरा। वो NIT के तहत काम करवा ही नहीं पाएंगे जैसी NIT बनी है। तो जो NIT जिन्होंने बनाया है, IT सेल में जो भी हैं, जो दैनिक भोगी हैं, उनको हमने निगम के कार्यालय से विरमित करने का आदेश दिया है। प्लस नगर आयुक्त साहब बगैर मेरे सूचना के, बगैर कुछ बोले, मीटिंग में मैं बैठी हुई हूँ और वो अपने गाड़ी से नगर कार्यालय से बाहर चले गए, तो मैं उनके खिलाफ़
अविश्वास देखिए आज की तिथि में बैठक निर्धारित थी और हम लोगों के संज्ञान में लाए बिना मेयर मैडम द्वारा एक अनाधिकृत व्यक्ति के द्वारा वीडियोग्राफी कराए जाने की बात कही गई। उस संबंध में हम लोगों ने मेयर मैडम को बताया भी कि जो वीडियोग्राफर रखना है उसमें कम से कम कुछ शर्तें होनी आवश्यक हैं कि वो वीडियोग्राफर वीडियोग्राफी का कहीं और जगह इस्तेमाल नहीं करे और जो भी वीडियोग्राफी करे उसको वो निगम को समर्पित करे, इस चीज़ का शपथ पत्र दे दे और कम से कम अपनी एक आईडी दे दे। तो हम लोगों के पास इस तरीके का कोई पेपर वर्क नहीं था और वो मैडम का ही था। उसी संबंध में मैडम द्वारा एक पत्र लिखा गया तो उस पत्र का जवाब देने को कहा गया। उस पत्र का जवाब जो है हमारे द्वारा बनाया जा रहा था, उस पत्र का जवाब भी उनको दे दिया गया है। इसी बीच जैसे ही हम मीटिंग करने के लिए आए हैं तो मेयर मैडम मीटिंग ना करने को चलते वो बाहर चली गई। पुनः उनके कक्ष में जाके उनसे अनुरोध किया गया, सभी पार्षद भी यहाँ बैठे हुए हैं, सभी लोग हैं, उनके द्वारा भी बोला गया कि मैडम को बुलाया जाए और मीटिंग कराई जाए। पुनः उनके कक्ष में जाके हमने स्वयं उनसे अनुरोध किया, आग्रह किया कि कृपया आएँ, मीटिंग का संचालन करें और अगर पेपर वर्क कम्प्लीट नहीं हुआ है तो चलिए इस शर्त के साथ मीटिंग करा ली जाए कि वीडियोग्राफर का पेपर वर्क भी आज ही करा लिया जाएगा और वीडियोग्राफी कराते हुए भी मीटिंग करा ली जाए। तो इतना सिंपल सा इशू था, वो भी उनको बोला गया, अनुरोध भी किया गया और अभी भी हम लोग इंतजार ही कर रहे हैं कि शायद वो मीटिंग करें। हमारे सभी कर्मी हैं, कुछ पार्षदगण भी यहाँ पर हैं, किंतु अब देखते हैं, अभी तक तो नहीं आई हैं मैडम। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है, ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलंब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। गुप्त सूचना के आधार पर भागलपुर पुलिस ने एक युवक को 168 ग्राम प्रतिबंधित ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार कर लिया। जानकारी सिटी एसपी अमित रंजन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पत्रकारों को दी। सिटी एसपी अमित रंजन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि पश्चिम बंगाल से मालदा जाने वाली ट्रेन से प्रतिबंधित मादक पदार्थ ब्राउन शुगर लेकर भागलपुर आने वाला है। प्राप्त सूचना के आधार पर एसएसपी के निर्देश पर पुलिस अधीक्षक नगर की निगरानी में एक एसआईटी टीम का गठन किया गया। गठित एसआईटी की टीम ने तकनीकी अनुसंधान के आधार पर मुजाहिदपुर थाने के सहयोग से सघन जांच अभियान चलाया। जांच के क्रम में अलीगंज गंगटी निवासी अशोक प्रसाद शाह के पुत्र राजा कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने बताया कि पल्सर मोटरसाइकिल से वो आ रहे थे, जब जांच के लिए उसे रोका गया तो उसके पास से 150 ग्राम भूरा रंग का एवं 18 ग्राम काले रंग का कुल 168 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद हुआ है। इस संबंध में मुजाहिदपुर थाने में सुसंगत धाराओं में केस दर्ज किया गया है। पुलिस ने कहा कि साइकिल समेत 168 पुरिया ब्राउन शुगर बरामद किया गया है। ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार राजा पर अलग अलग थाने में कई आपराधिक मामले दर्ज है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर राजा को बुधवार की दोपहर ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आगे बताया गिरफ्तार राजा को न्यायिक हिरासत में भेजा जाएगा। क्षेत्र अंतर्गत राजा कुमार पिता अशोक शाह, इनको अलीगंज गंगटी थाना बाबरगंज के रहने वाले हैं। इनको सूचना मिली थी कि ब्राउन शुगर लेके आ रहे हैं, तो इसमें एक टीम का गठन किया गया। टीम के गठन के द्वारा जांच की गई है। बाइक से आ रहे थे, इनको गाड़ी रोकी गई, उसके इनको द्वारा पुलिस द्वारा जांच किया गया तो इनके पास 168 ग्राम ब्राउन शुगर प्राप्त हुआ। इसका लगभग कीमत 2 लाख के करीब है और इनके पास एक पल्सर बाइक था, उसको भी सीज किया गया है। एक मोबाइल सीज हुआ है और जो राजा कुमार, इनका पूर्व में आपराधिक इतिहास भी है बबरगंज थाना में और मुजाहिदपुर थाना में। ये पहले भी जेल जा चुके हैं, चार्जशीट हो चुका है। मुजाहिदपुर में इनके ऊपर विस्फोटक पदार्थ का एक केस था, तो इस टीम में डीएसपी सिटी नेतृत्व कर रहे थे और जो डीआईयू की टीम में मुरलीधर शाह, मिथिलेश कुमार, प्रमोद शाह, सिकंदर कुमार, सुशील राज,
राजेश कुमार चटर्जी मुजाहिदपुर थाना से, शक्ति पासवान जोगसर थाना से। भागलपुर जिले के टॉप 10 अपराधियों की सूची में शामिल कुख्यात अपराधी विकास कुमार साह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। विकास पर घर में घुसकर गाली गलौज करते हुए रंगदारी के रूप में 20 लाख रुपए की मांग करने का आरोप है। गिरफ्तारी की जानकारी CTSP अमित रंजन ने पत्रकारों को दी। उन्होंने बताया कि 2 अगस्त की देर रात विकास कुमार एवं अमित कुमार शिवशंकर मंडल के घर में घुसकर गाली गलौज करते हुए रंगदारी के रूप में 20 लाख रुपए की मांग की थी। इसी संबंध में शिवशंकर मंडल ने मुजाहिदपुर बबनगंज थाने में लिखित आवेदन देकर अभियुक्तों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया था। इस घटना की गंभीरता को देखते हुए SSP के निर्देश पर पुलिस अधीक्षक नगर के निगरानी में पुलिस उपाधीक्षक नगर के नेतृत्व में एक सीमित टीम का गठन किया गया। घटनास्थल का वैज्ञानिक साक्ष्य एवं CCTV फुटेज के आधार पर अभियुक्त की पहचान करते हुए उसकी गिरफ्तारी के लिए गठित टीम के द्वारा छापेमारी की गई। गुप्त सूचना एवं तकनीकी अनुसंधान के आधार पर 27 दिसंबर को हाजीपुर थाना क्षेत्र की यूनिवर्सिटी नगर में किराए के मकान से गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने बताया कि यह शातिर एवं सक्रिय किस्म का अपराधी है एवं गिरफ्तारी की डर से अपना ठिकाना बदलता रहता है। पुलिस ने बताया कि जगदीशपुर के अलावे जिले के दर्जनों थाने में आर्म्स एक्ट सहित कई धाराओं में उसके खिलाफ मामला दर्ज है। CTSP ने बताया कि गिरफ्तार अपराधी से पूछताछ की जा रही है, उसको न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाएगा। शाह इसको कल गिरफ्तार कर लिया गया है और ये अभी जो रिसेंट इसका एक कांड हुआ था 260/23 ये बबरगंज थाना में हुआ था। इसने शिवशंकर मंडल के घर में घुस के उनसे 20 लाख की रंगदारी मांगी थी, तो उसको कल गिरफ्तार कर लिया गया है और इसके ऊपर टोटल 11 मामले थे और बहुत दिनों से फरार चल रहा था और इसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित कर ली गई है। और इसकी गिरफ्तारी के लिए एक SIT का गठन किया गया था, उसमें DSP CTS का नेतृत्व कर रहे थे और इस टीम में भी DIU और बबरगंज थाना अध्यक्ष और सभी लोगों ने अच्छा काम किया है। इसको बहुत दिनों से ट्रैक कर रहे थे और इसकी पहचान CCTV इत्यादि और टेक्निकल एविडेंस के आधार पर की गई है और ये टॉप 10 अपराधी था और इसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित कर ली गई। अच्छा, तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय की सीनियर सदस्य डॉक्टर राजेश कुमार तिवारी के द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति रजिस्ट्रार सहित BN कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर अशोक ठाकुर पर भ्रष्टाचार को लेकर आरोप लगाए हैं। सीनियर सदस्य का कहना है कि विश्वविद्यालय में लगातार भ्रष्टाचार का काम किया जा रहा है, चाहे वो शिक्षक की प्रोन्नति का मामला हो या फिर रिटायर्ड शिक्षकों को पेंशन देने के मामले में भी घोर अनियमितता बरती जा रही है। वहीं राजभवन के आदेश के बाद भी अवहेलना की जा रही है। वहीं विश्वविद्यालय कर्मचारी भी बेलगाम हो गए। उन्होंने कहा कि अगर जल्द स्थिति में सुधार नहीं होता तो वो कोर्ट में रिट फाइल करेंगे। मैं इस पर डिस्कस करने के लिए मैं आप लोग के समक्ष में आया हूं और आप लोगों को मैंने आग्रह पूर्वक कहा है कि मेरी बात को कृपया आप जगह दें ताकि वो जगह पर जा सके, माननीय कुलाधिपति पति तक मैं उसकी आवाज़ बन सकूँ। मैं इसलिए प्रेस वार्ता का मैंने आयोजन किया है। अभी हाल में एक ट्रांसफर कमेटी की बैठक हुई थी, जो कि अधिकतर पत्रकार बंधु को ये पता होगा कि ट्रांसफर कमेटी की बैठक हुई। उस ट्रांसफर कमेटी में ऐसे लोगों को मेंबर बनाया गया जो खुद एक एप्लीकेंट था, जो खुद एक एप्लीकेंट थे, चंद्रलोक भारती मरवाड़ी कॉलेज, उनका सुल्ताना से ट्रांसफर हुआ और उन्हीं का केस टेकअप हुआ और उसके मेंबर भी हैं और मिल के मोहर लगा रहे हैं। क्या ये जनमीन है? जब मुजरिम ही को मुंसिफ बना दीजिए तो अब न्याय की कल्पना क्या करेंगे? क्या ये बात मैं आप लोगों के सामने मैं उठा रहा हूँ इस बात में कहीं भी? तो अगर विश्वविद्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार है, उसकी विधि व्यवस्था गिरती जा रही है, तो सबसे पर्टेंट और विचारणीय पहलू है इसके लिए जिम्मेवार कौन? मित्रों, मैं आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि अभी कुछ महीने पहले BN कॉलेज के जो पूर्व प्राचार्य डॉक्टर संजय कुमार चौधरी का अचानक तबादला कर दिया गया और उसमें आपको पता होगा बहुत मीडिया बंधु को, उसमें कहा गया कि बैंक से जो ट्रांजैक्शन किया जा रहा है उसी के एवज में वित्तीय अनियमितता होने के कारण मैं इसका ट्रांसफर मदर अहिल्या कॉलेज में करूँ। और देखिए, प्रथम दृष्टया में कैसे सर्जन प्रूफ होता है, वैसे व्यक्ति को बैठा दिया गया जो जंतु विभाग में यूनिवर्सिटी प्रोफेसर के पद पर थे और उनका BN कॉलेज एकदम भाई भरसा ट्रांसफर हो गया। एक को मदन अहिल्या भेजा गया और उनको लाके BN कॉलेज में बैठा दिया गया। अब देखिए, कुल सचिव महोदय अधिसूचना पर हस्ताक्षर करने के लिए
उत्तरदायित्व हैं, रेस्पॉन्सिबल हैं। इसके पहले एक बहुत हाई कोर्ट में एक बहुत चर्चित केस हुआ था प्रिंसिपल वाला, जब डॉक्टर प्रेमा झा मैडम जब यहाँ के वाइस चांसलर हुआ करती थी, उन्होंने कुछ यूनिवर्सिटी ऑफिसर्स को, प्रिंसिपल को उन्होंने बहाल किया था। आपको पता होना चाहिए कि उस हाई कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि उस नोटिफिकेशन में सीसीडीसी का हस्ताक्षर है, एंड सीसीडीसी इज नॉट ए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू साइन ओवर ऑन नोटिफिकेशन। ये उन्होंने मार किया हाई कोर्ट ने, और वो ऑर्डर सेटिस्फाइड हो गया और सारे प्रिंसिपल साहब लोग शिक्षक बन गए। उसी तरह से भागलपुर के विधायक अजीत शर्मा के निवास स्थान स्थित कांग्रेस कैंप कार्यालय में समारोह पूर्वक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 139वां स्थापना दिवस मनाया गया। शुरुआत बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रतिनिधि डॉक्टर अभय आनंद ने झंडा फहराकर किया। इस अवसर पर डॉक्टर अभय आनंद ने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक स्वर्णिम इतिहास है। कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने अपनी कुर्बानी देकर देश को अंग्रेजों की गुलामी से आजाद कराया एवं आजादी के बाद देश के नवनिर्माण में अहम भूमिका निभाई। महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी ने देश को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने में अपना अविस्मरणीय योगदान दिया। आज जब देश की सत्ता में सांप्रदायिक ताकतें हावी है, ऐसे में देश की एकता, अखंडता एवं लोकतंत्र की रक्षा की जिम्मेदारी कांग्रेस कार्यकर्ताओं के कंधे पर आ गई है। आज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का 139वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस अवसर पर सभी जिला के हमारे कांग्रेस प्रेमी, वरिष्ठ पदाधिकारी, कांग्रेस के कार्यकर्ता सभी लोग उपस्थित हुए। हम लोगों ने वंदे मातरम का एक गान भी किया, और आज सबसे बड़ी खुशी की बात है कि भारत देश का सबसे बड़ा पहचान कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी की स्थापना ही हुई थी आम जनता की भलाई के लिए। आज कांग्रेस है तो देश है। आज जितनी पार्टियां पैदा ली है वो सब कांग्रेस के कोख से ही पैदा ली है। आज हमें संकल्प लेने का दिन है। हम सभी संकल्प लेते हैं कि आने वाले 2024 में हम केंद्र की भागलपुर के कला केंद्र में परिधि के द्वारा बच्चों की सुरक्षा, भविष्य की रक्षा विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें बाल श्रम आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर चक्रपाणि हिमांशु सहित शहर में बाल कल्याण को लेकर कार्य करने वाले लोगों के द्वारा कार्यक्रम में शिरकत किया गया। वहीं लगातार प्रदेश में बाल श्रम को लेकर किए जा रहे कार्यों के बारे में जानकारी दी गई। वक्ताओं ने अपने अपने विचार में कहा कि लगातार बाल श्रम को लेकर सरकार के द्वारा कदम उठाए जा रहे हैं, इसके बावजूद भी लगातार यह काम देखा जा रहा है। कहीं पर बच्चों की ह्यूमन ट्रैफिकिंग की जा रही है तो कहीं ईंट बनाने के काम में बच्चों को लगाया जा रहा है। इसी की रोकथाम को लेकर कई तरह के कानून भी बनाए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इस पर पूरी तरह से रोक नहीं लगाई जा सकी है। वहीं बाल श्रम आयोग के अध्यक्ष ने कहा कि सरकार के द्वारा लगातार बच्चों के भविष्य को देखते हुए कई तरह की योजनाएं चलाई जा रही है और लगातार बाल श्रम करने वाले बच्चों को मुक्त भी कराया जा रहा है। केंद्र में बच्चों की सुरक्षा एवं बच्चों के भविष्य के सवाल पर सेमिनार का एक आयोजन किया गया परिधि के माध्यम से, जिसमें उदय जी के माध्यम से और हम लोग के सम्मानित हम लोग के भागलपुर के बुद्धिजीवी में आए हुए हैं भागलपुर विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र कल्याण संघ का अध्यक्ष और विभागाध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर योगेंद्र प्रसाद महता जी, वर्धा विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति हमारे मनोज बाबू जयसवाल जी और सभी यहाँ पर उपस्थित सम्मानित साथी। आज सर के बुद्धिजीवियों के बीच आज एक चर्चा जो आम सब चर्चा बनी हुई कि बच्चों की सुरक्षा और बच्चों के भविष्य के सवाल पर आज सेमिनार का आयोजन किया गया है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि बच्चों की सुरक्षा और बच्चों के भविष्य के बारे में बाल श्रमिक आयोग लगातार प्रयास कर रही है। बच्चों के सुरक्षा के सवाल पर हर जिले में हमारे श्रम संसाधन के पदाधिकारी हर हमेशा लगे रहते हैं कि किसी तरह की बच्चों के साथ, चाहे दूसरे राज्य में जा कर के काम करने का हो या उनके साथ कुछ बला फुला सलाह करके उसको ले जा करके दूसरा काम करवाता हो, वैसे काम से वो बचे, उनकी सुरक्षा करके उसको विद्यालय भेजें, शिक्षा की ओर ले जाएं, उस और उसका ध्यान केंद्रित करने के लिए लगे हुए हैं। और दूसरा, बच्चों के जहाँ तक भविष्य की बात है तो श्रम संसाधन विभाग, मैं तो बहुत पूरे बिहार में और हर जगह मैं घूम करके मैं कहता हूँ कि भारत में सबसे ज़्यादा अगर बच्चों के सवाल पर, बच्चों की सुरक्षा के सवाल पर, बच्चों की शिक्षा के सवाल पर, बच्चे को विमुक्त करने के सवाल पर सबसे ज़्यादा अभी बिहार बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहा है।
और सबसे ज़्यादा बच्चों के हित में, क्योंकि बच्चे के जब तक अभिभावक की स्थिति अच्छी नहीं हो जाए तब तक बाल श्रम पर रोक नहीं लगाया जा सकता है। जैसे फॉर द एग्जाम्पल, बाल श्रम से होता क्या है, लोगों को एक लगता है बच्चे को पकड़ना, बच्चे को विमुक्त करना, नहीं, उन बच्चे जो बाल श्रम करते हैं उनकी शिक्षा खत्म हो जाती है अज्ञानता के कारण, उन बच्चे की सुरक्षा खत्म हो जाती है, उनकी जीने की आज़ादी खत्म हो जाती है, उनकी जो स्वास्थ्य व्यवस्था सही से नहीं हो पाते। इसलिए हम लोग सोचते हैं बाल श्रम एक अपराध है और 6 से 14 साल तक कोई भी व्यक्ति, चाहे वो व्यक्ति कितना भी शक्तिशाली क्यों नहीं हो, उस पर जो है कार्रवाई जो है 20 से 50 हज़ार रुपये तक का फाइन किया जाता है। इसके अलावा बच्चे को विमुक्त करके हम लोग उसको विद्यालय ले जाते हैं। हाल के दिनों में आप नए नए हम लोग का सुधार हो रहा है कि जो बच्चे विमुक्त होते हैं उनके अभिभावक को इंदिरा आवास हम लोग देते हैं, श्रम संसाधन विभाग, बाल श्रमिक आयोग इंदिरा आवास देते हैं, राशन कार्ड की व्यवस्था की जाती है, उनको 10th की पढ़ाई की मुफ्त में उनकी व्यवस्था की जाती है, उनकी स्वास्थ्य की देख रेख की जाती है। इतना ही नहीं, श्रम संसाधन विभाग, जैसे पहले भी बोले कि लगातार ये चिंतित है कि जब तक उनके अभिभावकों की स्थिति अच्छी नहीं हो तो बाल श्रम पर रोक नहीं लगाया जा सकता, तो इसके लिए श्रम संसाधन विभाग में जो हमारे गरीब हैं, श्रमिक हैं, मजदूर हैं, दीनहीन व्यक्ति हैं, जो वंचित व्यक्ति हैं, जो अर्थ के अभाव में, अज्ञानता के अभाव में वो बाल श्रम करवाते हैं, इसके लिए श्रम संसाधन विभाग के पोर्टल पर अगर आप 50 रुपये में रजिस्ट्रेशन करवाते हो तो दो बच्चों की शादी के लिए 50 हज़ार रुपये मिलते हैं। सबौर थाना क्षेत्र अंतर्गत घोगा के शंकरपुर की नहरने वाली 3 वर्षीय बच्ची का शव तालाब में मिलने से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। 3 वर्षीय मृतक बच्ची के पिता ने बताया कि हम लोग सुबह मजदूरी करने निकले थे और इसकी मां भी पशु का चारा लाने के लिए चली गई थी। वहीं जब लौट कर आए तो देर रात तक मेरी बच्ची घर नहीं लौटी थी। जब सुबह तालाब के पास जाया गया तो देखा गया कि मेरी बच्ची तालाब के पानी में जंगल में पड़ी हुई है, तब जाकर उसे निकाला गया। वहीं परिजनों का कहना है कि किसी ने दुश्मनी से इसे मौत के घाट उतार दिया है। पुलिस ने सबको अपने कब्जे में ले लिया। परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है।